उसको ऐसा लगता है वो तुमको ज्यादा पति समझती है। उसका मन था तुम्हारे साथ अकेले बैठ के एक दूसरे के मुंह में पॉपकॉर्न डाल लेना, है ना? श्रुति, मैं कह रहा था ये प्रेरणा भी कह रही है साथ में चलने का, चलेगी साथ में चलें? अरे यार मैं नहीं जा रही। अरे यार तू बुरा मान रही है यार। नहीं मैं नहीं जा रही। तो दोस्तों दिवाली तक 50,000 सब्सक्राइबर का हमारा टारगेट है। प्लीज दोस्तों जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम अपने टारगेट तक पहुंच पाएं और आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रैंक्स लाते रहें। सुनो वो कार अनलॉक कर दो भैया यार। का अरे कारवार को उसको अभी मना कर दे और तू इधर आ जरा। उसको अरे बोलना दो करने के लिए आया उसकी। अरे सफाई बाद में करवा लेंगे अपन, दो तीन दिन बाद, है ना? तू इधर आ जा अभी, जरा काम है मुझे। नहीं करानी, मना कर दूं? हाँ हाँ मना कर दे उसे, तू इधर आ। और क्यों नहीं करानी है? कितना कचरा पड़ा था उसके अंदर। अरे वो तो मैं सब कर लूंगा, हल्का फुल्का मोटा मोटा तो मैं कर ही लूंगा। मैं कह रहा था मैं जरा मूवी जा रहा हूँ और मेरे कुछ कपड़े वगैरह निकाल दे बढ़िया वाले, एकदम लगना चाहिए आज तेरा पति, है ना? कौन से कपड़े? अरे कोई भी अच्छे से निकाल दे उसके बाद फिर। मूवी का प्लान कब किया तुमने? तुम तो मुझे मार्केट लेके जाने वाले थे। अरे यार मार्केट तो मैं लेके जा रहा था तेरे को मैं, लेकिन क्या था ना वो मूवी का प्लान तेरे से मैंने पूछा था, तूने कहा कि ना। तो तुम आज सुनना जाने वाले थे, संडे को जाने वाले थे। अरे मैंने तेरे से क्या, मैं तेरे लास्ट टाइम पूछा, तूने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी इंग्लिश मूवीज में। अरे तो तुम्हारे दोस्तों के साथ मैं क्या करती, चार लड़कों के साथ मैं अकेली बैठ के वहां क्या करती? हाँ तो ठीक है ना, मैंने कर लिया प्लान, है ना? वो अमन अमन को बोला था। लेकिन ये बताओ ना मार्केट में चलना क्या? अरे मार्केट से तेरा ले आऊंगा सब्जी भाजी तरकारी तेरी जो भी है ले आऊंगा मैं। बस सब्जी खरीदने के लिए मुझे लेके जाना है ना। अच्छा। और कोई काम नहीं पड़ता मेरे को। अरे यार उन लोग के मैसेज आ रहे हैं। अरे यार क्या अमन का कैंसिल हो गया। तो मार्केट चलो फिर। अरे यार ऐसा थोड़ी, श्रुति है साथ में। श्रुति का कब बनाई है प्रोग्राम? हाँ मैं अमन और श्रुति जा रहे थे ना, तो वो अमन तो चला गया, वो उसका कैंसिल मैसेज आया अभी जस्ट कि भाई। तुमने मुझे अमन का बताया और तीन फ्रेंड और बताए थे। अरे मैंने कहा श्रुति कहाँ से आई? मैं तेरे को कहा था हम तीन फ्रेंड जा रहे हैं, मैं श्रुति और अमन। अमन का भी अभी कैंसिल हो गया तो फिर अब मैं और श्रुति जा रहे हैं फिर मूवी। तुम मुझसे फालतू बकवास ना करो, तुम कहीं जाओ। अरे टिकट हो रखी है, तू कहाँ जा रही है? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तुमसे बता रही हूँ तुम कहीं नहीं जा रहे हो, समझे? मैं यहाँ काम करती रहूँ और तुम आराम से मजे करते रहो बाहर जा जाके। अरे यार तो कहीं नहीं, मैं और श्रुति जाल चले जाएंगे। तो मेरे साथ मार्केट चलोगे? यार नहीं पता यार, पूरे 600 रुपए वेस्ट चले जाएंगे। तो क्यों की उसके साथ तुमने टिकट? अरे यार मैंने क्या नहीं, सुन मैंने नहीं कराया था। और अमन ने बोला कि ना भाई मैं अपने साथ, अमन की भी तो फ्रेंड है, वो अमन की भी फ्रेंड है यार। अमन जब वो नहीं जा रहा, अमन उसके पैसे भी तो जा रहा ना टिकट के, उसने अपनी, अरे उसने अपनी कैंसिल कर दी और अब मेरी कैंसिल नहीं हो रही। उसने अपनी उसमें रखी थी कैंसिलेशन वाली उसमें, और मेरी वाली उसमें थी नॉन कैंसिलेबल, मेरी और श्रुति की। तो अब हम दोनों को तो जाना ही पड़ेगा ना। नहीं 600 रुपए चले जाएंगे तो गरीब हो जाओगे। लिस्ट करना क्यों है, है? मुझे नहीं भेजना उसके साथ, सीधी सी बात है। फालतू बकवास मत करो यार। तो क्या हो गया, इंग्लिश मूवी बढ़िया एंजॉय करेंगे हम दोनों। है? क्या एंजॉय करोगे पता है मुझे? हैं हैं है करके तुमको क्या है? अपना पति लेके जाए ना, मेरे पति के पीछे क्यों रहती है वो 24 घंटे फ्रेंड फ्रेंड करके? उसका कोई और फ्रेंड ही नहीं है पूरी दुनिया में। अरे भैया उसकी अभी शादी नहीं हुई, कहाँ से पति लेके जाएगी? है नहीं उसका फियोंसी नहीं है? अरे फियोंसी तो है, पति थोड़ी है। तो हाँ तो तुम कौन हो उसके? मैं उसका, तो ऐसा लगता है वो तुमको ज्यादा पति समझती है ना, है? अरे नहीं जा रही तो चल रही छू, यहाँ जा रही तो चल रही छू। मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। बेस्ट फ्रेंड हो? सुन हम सिर्फ मूवी देखेंगे वहां पे और कुछ नहीं, है ना? और मैं बता रही हूँ तुम मुझसे ना फालतू पंगे मत लो, ठीक है? देख तेरे को इतना ही, जब मैंने तेरे से पूछा था तू चल रही है क्या, तूने क्या बोला? मुझे इंटरेस्ट नहीं। तू चल रही है और साथ में बोला कि चार लड़के और जा रहे हैं, तू चल रही है? फिर मैंने बोला कि नहीं जा रही हूँ मैं। यार चार का ही प्रॉब्लम, क्यों नहीं बताया था? इसका तो मुझे बाद में पता चला ना, अमन ने एडप्ट किया, बोलने लगा कि ना भाई उसको ले चलते हैं यार, वो रह जाएगी अकेली, फिर बाद में बोलेगी तुम लोग मुझे नहीं लेके जाते। बस अमन श्रुति, अमन श्रुति। अरे यार और कोई काम तो रहे नहीं क्या?
बस मूवी देखने चल दो आवारों की तरह। तू चल रही है? टिकट कहाँ है मेरी? तुझे मैं तेरी कॉर्नर सीट ले लूंगा ना, एक उसमें है एक। अच्छा मुझे सब लास्ट में पटक दोगे, बीच में बैठो उसके साथ, है ना? उसको पटक देना मेरी सीट पे। तो क्या करूं, तू उसके साथ बैठेगी मतलब, और मैं पीछे जाके बैठू अकेले? हैं तुम मेरे साथ बैठोगे, वो बैठेगी लास्ट में जाके। ओए क्या मूवी देखने जा रही है ना? मूवी देखनी है ना उसको, दो थिएटर में। ऐसे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए यार किसी की, है गलत बात है। एक ही सीट थी वो भी अब बुक हो गई होगी, मुझे लगा तेरी जगह ही नहीं है वहां पे यार। मुझे तो लग रहा तुमको ज्यादा इच्छा जाग रही है उसके साथ मूवी देखने की, है ना? ये बोलो ना कि तुम्हारा मन कर रहा है। नहीं जाऊं क्या मैं? या मन को ये तीसरे आदमी को क्यों बदनाम कर रहे हो यार? श्रुति को बोलना पड़ेगा यार वापस से। श्रुति को ना मैं झूठ पौड़ दूं, मैं बता दूं। अरे यार वो बुरा मान जाएगी बेचारी यार। कौन है वो तुम्हारी, है बुरा मान जाएगी? फ्रेंड ही है ना, मना कर दो। मैं नहीं करती कि 10 बार अपने फ्रेंड्स को मना तुम्हारे कहने पे। अरे यार तो तू मुझे लेके गए हो कभी? तू बुकिंग से पहले बोलती। ये बताओ कि मुझे प्यार से कब कहाँ लेके गए हो तुम? कभी प्यार से बोलो हाँ चल, जब बस जबरदस्ती टंग लो तुम्हारे पीछे। तो वही तो बात है, तू मेरी जबरदस्ती पद्दी चढ़ जाती है ना हर बार। अब उससे बताओ यार, 6 महीने बाद मिल रहा हूँ मैं, है? 6 महीने बाद मिल रहे हो तुम उससे, है हाँ, ना? हाँ। 6 महीने बाद मिल रहे हो, मुझे पागल बना बना के उससे मिलने जाते हो तुम। जब भी जाता हूँ तुझे बताता हूँ कि नहीं। जब जब अमन बोलते हो ना तुम कि अमन से मिलने जा रहे हो, तुम वही जाते हो यार, हंस के दिखा रहे हो। अरे अमन, तो तेरी अमन से बात करवा दूं क्या? है? मुझे क्या जरूरत पड़ी अमन से बात करने की? अरे यार जो भी करा है ना अमन ने करा है, मुझे मत बोल यार, उसने फंसा दिया मुझे बेफालतू। नहीं नहीं चलो ठीक है, हाँ मैं भी चलूंगी, ठीक है कर दो मेरी टिकट बुक। क्या कर दो? मैं भी चल रही हूँ। तेरी टिकट तो मैं कर दूंगा। हाँ हाँ पूछो मत, फिर इतना सोचो मत, दिमाग मत चलाओ। अरे यार उस शो में अब शायद अवेलेबल नहीं है, हाउसफुल हो चुका है। तुम मेरा दिमाग मत खाओ, हाउसफुल हो चुका है यार। मैं जा रही हूँ चेंज करने, तुम करो। हाउसफुल हो गया यार, तुम कैसे बैठोगे आज तुम उसके साथ? छुड़ा देंगे। A few moments later. हो गई तैयार मैं। हैं? हैं क्या? बड़ी जल्दी यार। हाँ तो मेरे को घंटों लग रहे हैं। वैसे तुझे बोला तो वैसे तो रेडी होती नहीं, होके नहीं आती, हैं? घंटों? बकवास मत करो, टिकट कर दो मेरी। हो गई ना? टिकट तेरी देख रहा हूँ, पहले उससे पूछ लूँ मैं एक बार। उससे क्या पूछना है, कौन है वो? अरे यार श्रुति से पूछ तो लूं एक बार। अरे उससे पूछूंगा कि मेरे। अरे इन केस वो नहीं जा रही तो तू और मैं ही चले जाएंगे फिर, सबसे बढ़िया बात क्या होगी फिर, है ना? बात कर लेता हूँ एक मिनट, तेरे सामने की बात है यार। इसका ना गला दबा दूंगा। अरे तू पागल है क्या? पागल है। सुन लेगी। हेलो, हाँ श्रुति, मैं कह रहा था ये प्रेरणा भी कह रही है साथ में चलने का, चलेगी साथ में चलें? अरे यार मैं नहीं जा रही हूँ। अरे अरे यार तू बुरा मान रही है यार। नहीं मैं नहीं जा रही हूँ। बुरा मान गई। अच्छा चल ठीक है, मैं देखता हूँ, है ना? थोड़ी देर से कॉल करता तुझे, है ना? क्यों नहीं जा रही है? नहीं 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 तू छोड़, तू क्यों उससे वो कर रही है? क्यों नहीं जा रही है वो? तेरे चक्कर में पता वो कैंसिल कर दिया यार उसने। मेरे चक्कर में क्या कैंसिल किया? मैंने क्या बोला यार? पता उसका मन नहीं था, उसका मन था तुम्हारे साथ अकेले बैठ के और एक दूसरे के मुंह में पॉपकॉर्न डालने का, है ना? बता यार कैसी बातें करती हो यार तुम। कैसी बात कर रही हूँ मैं? सही बात कर रही हूँ। और तू इतनी जल्दी रेडी होके भी आ गई? वैसे तू रेड। मुझे भी नहीं जाना, दफा हो, निकलो ऐसे। तो अब मैं किसको लेके जाऊं? जाओ जिसे भी लेके जाओ। मैं क्यों जाऊं? मैं मुझे क्या समझ रखा है? क्या समझा हुआ मेरे को यार? इस टाइम तो अब मुझे इतनी जल्दी कोई मिलेगी भी नहीं। तुम सुधर जाओ, मैं बता रही हूँ तुमको। यार मेरे पैसे वेस्ट जा रहे हैं यार। अब उसने मना कर दिया, अब तू भी मना कर रही है। तो वो क्यों मना किया उसने? मेरा नाम सुन के क्यों मना किया उसने, मुझे ये बताओ बस। यार उसको लगा होगा कि ना यार, क्या लगा होगा? क्या होता है ना, एक कंफर्टेबल, वो तेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होगी। क्यों? मैं उसको खा रही थी। हाँ उसको लगा होगा कि यार फ्रेंड्स जा रहे हैं सब, है ना? अच्छा तो, हाँ मैं फ्रेंड नहीं हूँ। अरे तू, तेरी और उसकी कहाँ से फ्रेंडशिप? कभी बिल्ली और चूहे की दोस्ती हुई है? तुम्हारे साथ तो है ना, तुम्हारी बीवी नहीं हूँ मैं। ठीक है मैं तेरी सब बात मान रहा हूँ, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होगी तेरे साथ में,
उसको लगा होगा कि भाई ये जाएगी तो पति सबके साथ कंफर्टेबल है, मैं किसी के साथ नहीं हो पाती। बहुत बढ़िया, मैं तो हूं ही कंफर्टेबल आदमी यार, हर किसी के साथ सेट हो जाता हूं। समझ रही हूं मैं, ठीक है ना, जो तुम्हारा गेम चल रहा है ना। बताओ यार तो ये बता फाइनली, मैं जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं ये बता। मुझे क्या पता, मेरे से क्या पूछ रहे हो, मेरे से पूछ के टिकट बुक की थी। तो तू अब जा रही है कि नहीं जा रही, वो तो मना कर रही है। तो मुझे क्या समझ रखा है, सेकंड ऑप्शन मैं क्यों जाऊं। तो मतलब जब तक वो जा रही थी तो तू भी जा रही थी। हाँ, है? अब वो नहीं जा रही तो अब तू नहीं जा रही, मैं क्यों जाऊं, अब क्यों जाऊं मैं जब वो नहीं जा रही, मैं उसी के लिए जा रही थी, समझे। तो ठीक है, मैं फिर अनामिका को पूछ लेता हूँ, वो जाएगी क्या। अब ये कौन है, अनामिका दोस्त है मेरी कॉलेज की। कौन है अनामिका, अभी कहां से आ गई। मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है, श्रुति, शिवानी, शिवन्या। मैं ना ये चार दिन पटक दूंगी तुम्हारे साथ, मैं बता रही हूँ, समझ गए। हे भगवान, हे प्रभु, कोई बचाओ मुझे। मार्केट चलो मेरे साथ। अब क्या सब्जी भाजी लेने चलूं, पिक्चर छोड़ गए, झोला पकड़ू। तुम्हारा इतना मन कर रहा है पिक्चर देखना, चलो मैं चल रहा हूँ, चलो ठीक है। मतलब तू इंग्लिश मूवी भी देख लेगी जो तेरे पल्ले नहीं पड़ती है। अच्छा, सब तुम्हारे पल्ले पड़ता है, मतलब तुझे इंटरेस्ट नहीं है यार इंग्लिश में, फिर भी तू जा रही जबरदस्ती का। चलो चलो, बैठे क्यों हो, कपड़े नहीं डालने, ऐसे जाओगे अब तो ऐसे चल दोगे, है ना। तो यार कोई टिकट बुक करी होगी तो जाऊंगा ना, प्रैंक चल रहा तेरे ख्याल की वजह से। कोई मूवी नहीं है, कोई टिकट बुक नहीं हुई है। तो मुझे क्यों तैयार कराया, वो तो मैं देख रहा था, तू तेरा क्या सीन है, बड़ी जल्दी तैयार हो गया ही तू, तो मजाक कर रहा था। और ये श्रुति क्या बकवास कर रही थी। अरे कुछ नहीं, उसको तो मैंने बोला था। पूरी दुनिया को बोलते घूमते हो गए तुम।